नमस्ते बच्चों, सबसे पहले हमारा असाइनमेंट एनालिसिस। जो असाइनमेंट मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद में तीन बच्चों के असाइनमेंट मेरे पास आए, टेस्ट और असाइनमेंट। तो संतराम, दीपक और रवि, मैं उनको बता देती हूँ, अपने असाइनमेंट्स ओपन कर लेंगे। बेटे संतराम, आपके 6 के 6 क्वेश्चंस ठीक हैं, दीपक के भी सारे 6 क्वेश्चंस ठीक हैं असाइनमेंट में, रवि के ऑलमोस्ट ठीक हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने जब कैलकुलेशन करी है तो बी में 37,500 लिखना है आपने, ये गलती करी हुई है, वो करेक्ट कर लेना। शायद आपने 47,500 लिखा है, अभी मेरे सामने नहीं है आपका टेस्ट एनालिसिस, मैंने वो कैलकुलेशन उस समय देख के लिखा था। चलिए, वेरी गुड, थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग द टास्क। जहाँ तक टेस्ट एनालिसिस का सवाल है संतराम, क्वेश्चन नंबर 1 में जहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना था, बेटे आपने रुपीज़ का साइन नहीं लगाया। दीपक, तुमने भी यही गलती करी है, तुमने उसमें रुपीस का साइन नहीं लगाया। और रवि, वो क्वार्टर वाला क्वेश्चन है, क्वार्टर मतलब एक साल में 4 बार ड्राइंग्स करी हैं, तो उसमें टोटल ड्राइंग्स को निकालने के लिए आपको 5,000 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये चेक कर लेना, अपना टेस्ट अपने सामने रख के तभी वीडियो को आगे कंटिन्यू करना, चाहे आपको पॉज करके या रिवाइंड करके देखना हो, तभी फ़ायदा है मेरा आपको एक्सप्लेन करने का। क्वेश्चन नंबर 2 में केस 1 तीनों का ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। संतराम ने केस 2 भी बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन संतराम वहाँ पर 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या 2 सैलरी नहीं लिखनी है बेटे, ऐसे लिखना है 2, जो भी शाहरुख है तो 2 शाहरुख्स कैपिटल अकाउंट, 2 आमिर्स कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से लिखना है। ब्रैकेट में हिंट में आप उसको इंटरेस्ट या सैलरी जो भी बताना चाहते हैं वो बता सकते हैं। दीपक और रवि, आपके लिए मैं ये भेज दूंगी, क्वेश्चन प्रॉपर सॉल्व किया हुआ। और रवि, इनसफिशिएंट प्रॉफिट का क्वेश्चन है, आपने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है, वैसे गुड है कि आपने उसको लॉस बना दिया बेटे, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज है, वो चेंज देख लेना। आपका क्वेश्चन का तरीका गलत नहीं है आपने जो सोचा है उसमें, लेकिन सॉल्यूशन इस केस में फिट नहीं बैठता है वो। एनी हाउ, क्वेश्चन नंबर 3, संतराम का P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों बिल्कुल ठीक हैं, दीपक का भी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों बिल्कुल ठीक हैं, गुड। और रवि, तुम्हारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बिल्कुल ठीक है, बस कैपिटल अकाउंट में आपने डेबिट साइड में 2 ड्राइंग्स नहीं लिखा। कैपिटल अकाउंट में 2 ड्राइंग्स भी आता है, और इधर बाय P&L अप्रोप्रिएशन, जो आपने P&L अप्रोप्रिएशन बना के जो प्रॉफिट निकाला है ना, उसको यहाँ पर बाय P&L अप्रोप्रिएशन के नाम से लिखना है, बाकी तुम्हारा बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी मुझे अच्छा लगेगा अगर वो असाइनमेंट और टेस्ट करके मुझे भेजेंगे। तो चलिए अब अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हाँ जी, हमारा आज का टॉपिक है गुडविल वैल्यूएशन, कैसे हमें गुडविल को वैल्यू करना चाहिए, गुडविल क्या होती है, गुडविल को हिंदी में ख्याति बोलते हैं, ख्याति, प्रसिद्धि, फर्म का अच्छा नाम, वो नाम जिसकी वजह से उसको और लोगों से ज़्यादा अच्छा माना जाता है, लोग उसके सामान खरीदने जाते हैं। हम गोलगप्पे सड़क से भी खा सकते हैं, सड़क पर खड़े हुए किसी खोपचे वाले से भी खा सकते हैं, हम गोलगप्पे हल्दीराम से भी खा सकते हैं। सड़क वाला हो सकता है हमें 10 रुपये में 4 गोलगप्पे दे दे, हल्दीराम उसी 4 गोलगप्पों के हमसे 50 रुपये भी ले सकता है। तो वो जो 40 रुपये हमसे एक्स्ट्रा ले रहा है, वो अपने नाम के एक्स्ट्रा पैसे ले रहा है। तो गुडविल, ख्याति क्या होती है, ख्याति का क्या अर्थ होता है, ये परिभाषा लिख लेंगे, बहुत बार 1 मार्क में आ जाती है ये। ख्याति क्या है, किसी व्यवसाय की प्रसिद्धि का ऐसा मूल्य, व्यवसाय की प्रसिद्धि का ऐसा मूल्य जिसके कारण वह अपनी जैसी अन्य इकाइयों की अपेक्षा सामान्य से अधिक लाभ कमाती है, नॉर्मल से भी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं, ऐसी कीमत, ऐसा मूल्य। तो हमने क्या कहा, व्यवसाय की प्रसिद्धि का मूल्य, मूल्य मतलब कीमत, जिसके कारण वो अपने जैसी इकाइयों की अपेक्षा सामान्य से भी अधिक, नॉर्मल से भी ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। तो गुडविल तभी अराइज होगी अगर हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, अगर हम लॉस में जा रहे हैं तो उसका मतलब कोई हमारी गुडविल नहीं है, कोई हमारा अच्छा नाम नहीं है मार्केट में। ओके, अब गुडविल 2 तरह की हो सकती है, परचेज्ड गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जैसे कि अगर हम हल्दीराम के बिजनेस को खरीद लें, तो हल्दीराम बोलेगा कि मैंने इस बिजनेस को बनाने में, इसके नाम को करने में 50 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, तो वो सारी संपत्तियों के साथ में अपने नाम की कीमत यदि वो 50 करोड़ रुपए लेता है, तो वो जो 50 करोड़ रुपए उसने एक्स्ट्रा लिए हैं, हमारे लिए वो परचेज्ड गुडविल होगी। सेल्फ जनरेटेड, जो हमने खुद बनाई है, हमने किसी से खरीदी नहीं है, हमने खुद बनाई है,
जब तक कि हम गुडविल के बदले में किसी को पैसा दें या ले नहीं, तब तक वो गुडविल हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्या मतलब इस बात का? जो परचेज गुडविल होती है उसको हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, और जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम अपनी पुस्तकों में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ये चीज़ अभी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी इसका हमारे लिए कोई ख़ास रोल नहीं है रिकॉर्ड करना या ना करने का। हाँ, पर ये बात हम ज़रूर समझ सकते हैं कि जो भी हम गुडविल वैल्यूएशन करते हैं, ये प्रॉब्लम तब अराइज होती है जब या तो कोई गुडविल को खरीद रहा हो या फिर कोई गुडविल को बेच रहा हो। अपने बिजनेस को बेच रहा है कोई, या कोई अपने बिजनेस को खरीद रहा है, तब ये प्रॉब्लम अराइज होती है। खैर, ये नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। इसके बाद में कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो है गुडविल वैल्यूएशन के मेथड्स ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। देखिए, देर आर थ्री मेथड्स ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, ये नोट कर लीजिएगा। कितने मेथड्स हैं गुडविल वैल्यूएशन के? थ्री मेथड्स हैं। देर आर थ्री मेथड्स ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। नंबर वन एवरेज प्रॉफिट मेथड, नंबर टू सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड नंबर थ्री कैपिटलाइजेशन मेथड। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। वीडियो को पॉज करके सारी डिटेल्स नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड डिस्कस करेंगे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है। फॉर्मूला नोट कर लीजिए। एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है? जैसे अगर उसने बोला पिछले तीन वर्षों के प्रॉफिट का एवरेज, तीन वर्ष, ईयर वन जमा ईयर टू जमा ईयर थ्री, तीनों ईयर्स के प्रॉफिट को जोड़ा, तीन से भाग करा, एवरेज प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख लीजिए, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है। उसके बाद में व्हाट इज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्या है? देखिए, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्या है? उतने वर्ष, वे वर्ष या उतने वर्ष जिनके लिए फर्म समान प्रॉफिट अर्न करती रहेगी, और कैसे? वो भी पिछली मेहनत के कारण ही। यानी कि फॉर एग्जांपल, हल्दी राम हमें अपना बिजनेस बेचता है तो वो हमें बताता है कि भाई अगले 5 सालों तक आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, यही प्रॉफिट कमाते चले जाएंगे, इसलिए इस प्रॉफिट को इतने से गुणा करके हमें पैसे दीजिए। तो जितने साल के लिए फर्म एक जैसा प्रॉफिट अर्न करती रहेगी, वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट, सामान्य से अधिक प्रॉफिट जो वो अर्न कर रही है, आगे आने वाले इतने वर्षों तक वही प्रॉफिट अर्न करती रहेगी, उसको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज के नाम से जाना जाता है।